गोल्डन चूहा। जंगल में चूहा रहता था। एक दिन एक शेर, एक हाथी और एक हिरन दिखाई देते हैं। तुरंत चूहा उसके पास पहुंचता है। फिर हाथी कहता है, अरे ओ चूहे के बच्चे, यहाँ से चले जाओ। देखा नहीं यहाँ चार बड़े लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। आज से मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं इस जंगल में बहुत अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। शक्ल देखी है अपनी, हमारे जैसे बड़े लोगों के साथ मिलकर रहोगे? तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ यहाँ से। और बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। सभी लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, देख लेना कैसे सबक सिखाऊंगा। ये सब लोग मेरे पीछे पीछे फिरेंगे। फिर इसके लिए पहले मैं यहाँ पर अपना घर बना लेता हूँ। इस तरह से सोचकर चूहा एक बिल बनाता है। चूहा जैसे ही बिल के अंदर जाता है और बाहर आता है, वो गोल्डन रंग में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे ये कैसे हो गया, मैं सुनहरा कैसे बन गया? ये सोने का शरीर कितना सुंदर लग रहा है, कितना चमक रहा हूँ मैं। अब देखना वो बड़े जानवरों को कैसे सबक सिखाता हूँ। इस तरह खाने की तलाश में वो निकलता है। रास्ते में शेर, हाथी और हिरन उसे देखते हैं। अरे वाह, वो देखो सोने का चूहा, सोने में कैसे जगमगा रहा है, चलो जाकर देखते हैं। हाँ, ये सच में सोने का चूहा है। काश मैं भी सोने के शेर में बदल जाता तो कितना अच्छा होता। चलो इससे बात करते हैं। इस तरह वो लोग चूहे के पास आते हैं। जब चूहा कहता है, अरे मूर्ख, मेरे पास मत आना, दूर ही रहना। मुझे सब कुछ मालूम है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, मेरे जैसा बनने का सोच रहे हो ना? तुमने सच कहा, फिर भी तुम कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ मूर्खो। इससे पहले तुम्हारे पास एक चूहा आया था, तुमने उसका मजाक उड़ाकर उसे भगा दिया था ना? हाँ हाँ, अनजाने में हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। हमारी छोटी सी इच्छा है, हमें भी आपके जैसा सोने में बदलना है। हमें क्या करना होगा? तुम्हें मेरे जैसा बदलना है तो मेरे सेवा करनी होगी। जो मेरी सेवा पूरे दिल से करेगा, मैं उसी को सोने में बदलूंगा। ठीक है ठीक है। ये बात सुनकर शेर कहता है, आज से मैं नहीं आप राजा हो और मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, तुरंत जाकर खाने के लिए कुछ अच्छे फल लेकर आओ। इस तरह चूहे से दोस्ती करने के लिए शेर, हाथी और हिरन एक दूसरे के मुकाबले में जुट जाते हैं। तुरंत जाकर शेर उसके लिए फल लेकर आता है और खाने के बाद चूहा कहता है, सेवको, आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ, आप चलो उस चूहे को ढूंढो। ये बात सुनकर हाथी कहता है, मूषक राजा, आप जमीन पर चलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी सेवा में आपके सेवक हाजिर हैं। चलिए आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं लेकर चलता हूँ। मूषक राजा, ये हाथी कहाँ चल पाएगा? आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं शेर हूँ, मैं चलता हूँ। आपका आदर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, थोड़ा थोड़ा करके सबके ऊपर बैठूंगा मैं। इस तरह चूहा हाथी के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूर जाने के बाद शेर कहता है, हाथी भाई, लगता है मूषक राजा को उठाकर आप थक गए होंगे, यहाँ से इन्हें मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है। इस तरह चूहा शेर पर आकर बैठ जाता है। अपने मन में सोचता है, बेवकूफ कहेंगे, सच में ये सब मूर्ख हैं। इतने बड़े बड़े शरीर लेकर दिमाग छोटा सा भी नहीं है। इस तरह सोचकर वो हंसने लगता है। ये देखकर हाथी कहता है, मूषक राजा क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, इधर उधर ढूंढो, उस चूहे को पकड़ो, चलो। ठीक है मूषक राजा, हम लोग बहुत दूर तक आ गए हैं, लेकिन वो चूहा कहीं नहीं मिला। ये सुनकर चूहा अपने मन में सोचता है, अरे मूर्ख, जब तक मैं आपके ऊपर बैठा हूँ वो चूहा कैसे दिख जाएगा? आप लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश की बूंदें गिरने लगती है। मूषक राजा, लगता है बारिश होने वाली है, चलिए किसी गुफा में आराम करेंगे। अरे ओ मूर्ख, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए या बाढ़ क्यों ना आ जाए, जब तक वो चूहा नहीं मिलता आप लोगों को ढूंढते रहना होगा। किसी तरह आगे बढ़ते ही थोड़े दूर पर बारिश तेज हो जाती है।
बारिश में भीगने के कारण चूहे का सुनहरा रंग मिट जाता है, लेकिन ये बात चूहा नहीं जानता था। भूषक राजा, बारिश बहुत तेज है, चलिए किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। नहीं नहीं, उसे ढूंढना ही होगा। पीछे से चलकर आ रहा हिरण चूहे को देख लेता है। दोस्तों, ये कोई सोने का चूहा नहीं है, ये तो सिर्फ रंग करके आया था। ये देखो, इसने हमें धोखा दिया। ये सुनते ही चूहा अपने आप को देखने लगता है। बाप रे, मेरा सुनहरा रंग तो पूरा चला गया। लगता है बारिश